कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मिले 58 नंबर में बैठे हैं, जहां वो तपेदिक का मरीज रहता है। कुंदन, प्राजी हौरी ने तो मिल मिलाकर पिताजी को फिर उसी हालत में पहुंचा दिया। तू उन्हें डॉक्टर को दिखवा ला पुत्र। किधर से दिखवा दे माताजी? सिंह गुप्ता साहब पता नहीं क्यों खफा है मेरे से। निविता जी भी कुछ उखड़े उखड़े रहने लग पड़े। उस दिन यहाँ आए थे तो हम सबसे बड़ी अच्छी तरह बोले थे। पता नहीं जी, मेरा काम तो हर जगह बिगड़ा है। मैं तो आपसे पूछता हूँ कि जब उन्होंने सेवा की बात की तो आप चौकन्ने क्यों नहीं हुए? आपने सोचना था कि जरूर उन्हें कहीं मेवा का पेड़ नजर आ गया हो ना। मोहिनी होरी जब तक यहाँ थे मैं सावधान रही, मगर भूषण से तो ये उम्मीद नहीं ना थी। मैं चाय की पत्ती लेने ना गई होती तो बात शुरू होते ही खत्म करा देती। लेकिन तू जाके डॉक्टर से पूछा पुत्र। डॉक्टर ने वही कहना है जो पिछली बार कह के गया था, गलती प्राजी की है, उन्होंने बिच्छू वाली की बात की। अच्छा मैं चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। अच्छा वो भूषण ने खबर भिजवाई है कि उसने 2 कमरे का मकान लिया है, तू उससे जाके कह दे कि पिताजी की तबीयत संभल जाए फिर हम वहां आ जाने हैं। क्यों, पिताजी की तबीयत फिर से खराब कराने वास्ते? रोशन पुत्र, पिताजी को 58 नंबर से निकाल, वहां बैठे बैठे तो वो आप बीमार हो जाने हैं। देखो निकालता हूं, अगर ताव लग गया तो डॉक्टर को भी दिखा लाता हूं। तो समझे कुंदन? अर्जुन को समझाते हुए, पिताजी मैंने कहा जी चलो। कुंदन को इस हालत में छोड़कर कहां जाऊं? तो ब्रह्मा की रात बहुत पड़ी है लेकिन वो भी समाप्त होती है। ब्रह्मा का दिन भी बहुत बड़ा है लेकिन वो भी समाप्त होता है। 100 साल पूरे होने पर तो ब्रह्मा अपने लोक सहित शांत हो जाते हैं। पिताजी डॉक्टर के पास चलना है, मेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है। यहाँ कैंप कमांडर साहब को बैठा देने, डॉक्टर से कुंदन के बारे में पूछना होगा ना। नहीं, लाहौर के बारे में बात करने में कोई फर्जा नहीं है, लेकिन अगर जरा भी एडवर्स रिएक्शन हो तो बात को छोड़ दो। माता जी कहते हैं कि कभी कभी वो आप ही पुरानी बातें करने लग पड़ते हैं। पेशेंट खुद बात करता है तो जरूर करो, सावधानी इतना ही कि उसे प्रेशराइज नहीं करना है। जी माता जी कह रहे थे कोई दवा? दवा इसमें कुछ नहीं है, वो करो क्या बोलता है दुआ। हाँ एक बात का भरोसा रखो, ये याददाश्त जरूर लौटेगा। डॉक्टर साहब हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि आपके फीस दे सकें, कभी कोई जरूरत हो तो हमें भी सेवा का मौका दें। डोंट वरी, मेरी फीस उस दिन में सिंह गुप्ता दे दिया और ये भी बोला हवेली राम का इलाज का खर्चा वही देगा। तो भी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्राह्मण लाहौर में? जी हाँ, खुद लाला लाजपत राय ब्रह्म समाज में जाते रहे। आश्चर्य। नमस्कार निवृत्ता जी। नमस्कार। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी अभी डॉक्टर साहब से पता चला कि फीस आप दे दी है, नहीं तो समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। शब्दों में मत कीजिए, होटल में न्यू ईयर को सफल बनाइए, वही धन्यवाद होगा।